हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज बात कम है, जानकारी में दम है। आज का टॉपिक है ब्लैक होल मिस्टरी। ब्लैक होल क्या है, चलो जानकारी की बात शुरू करते हैं। ब्लैक होल के बारे में तो आपने अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर सुना होगा। ब्लैक होल से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियों को अलग अलग साइंटिफिक फिल्मों में दिखाया जाता है, जिससे हमें ब्लैक होल के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा होती है। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल बनते कैसे है, ब्लैक होल से जुड़ी हुई थियोरी या फिर ब्लैक होल के बारे में पहले किसने पता लगाया, क्या ब्लैक होल समय को भी रोक सकता है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम आपको आज बताने वाले हैं। ब्लैक होल क्या है, अगर हम आसान शब्दों में बताएं तो ब्लैक होल हमारे अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह क्षेत्र है जहाँ से कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है और उसी वजह से रोशनी की किरण भी इससे छूट नहीं सकती, जिसकी वजह से ये क्षेत्र डार्क ब्लैक रंग का होता है और इसी वजह से इसको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल को कृष्ण विवा के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतरिक्ष की वो जगह है जहाँ से भौतिक विज्ञान के कोई नियम काम नहीं करते। ब्लैक होल के बारे में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जो कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा किए गए उत्पत्ति में से ये सबसे बड़ी खोज में से एक मानी जाती है। इसके बाद तो सभी लोगों का ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल गया। सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु में जो गुरुत्वाकर्षण दिखाई देता है उसका असली कारण है उस वस्तु का वजन या फिर द्रव्यमान। वस्तुमान यानी कि किसी भी वस्तु का वजन जितना ज्यादा होगा उतनी ही वो वस्तु अपने आसपास के स्पेस टाइम में ज्यादा कर्व ट्विस्ट पैदा करेगी। अगर आसान शब्दों में बता दे तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें ये समझ आती है कि गुरुत्वाकर्षण ये कोई बल फोर्स नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उस चीज के वजन की वजह से हुई स्पेस टाइम की वक्रता है। ब्रह्मांड में किसी भी चीज का जितना ज्यादा वजन या फिर द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा वो चीज अपने आसपास के चीजों को खींच लेगी या फिर आकर्षित करेगी। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के नजदीक जाके वापस आने में कामयाब हो जाए तो क्या होगा, आपको बता दे कि अभी तक जितना हम ब्रह्मांड को जान पाए हैं उसमें ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाली चीज ब्लैक होल है। मतलब ब्लैक होल में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर होती है और ये इतनी ज्यादा होती है कि इससे लाइट रोशनी के साथ ही टाइम समय को भी खींच सकती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति समझ लो एक घंटा भी ब्लैक होल के पास रुक के आए तो शायद तब तक हमारे पृथ्वी के 40 से 50 साल या फिर उससे भी ज्यादा साल गुजर चुके होंगे। यानी कि ब्लैक होल के आसपास का समय भी धीमा हो जाता है, जिससे कि ब्लैक होल के पास बिताया हुआ एक मिनट भी हमारे पृथ्वी के एक साल जैसा हो सकता है, जो कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर निर्भर करता है। इस ब्रह्मांड में अगर किसी बड़े तारे का ईंधन न्यूक्लियर फ्यूजन जल जाता है या फिर खत्म होता है तो वो तारा मर जाता है। ईंधन के खत्म होने से उस तारे में जबरदस्त विस्फोट हो जाता है जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटने लगता है और उसके बाद वो बहुत बड़े पिंड के रूप में आता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। वो आकार में बड़ा होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण का दबाव भी ज्यादा होगा, तो इस वजह से अपने ही दबाव से वो COLLAPS हो जाता है और इतना घना बन जाता है कि जिससे ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल में कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा वजन होता है। मतलब अगर हम 1 किलोग्राम कपास रुई और 1 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा लेंगे तो दोनों का वस्तुमान तो एक ही होगा, लेकिन दोनों का आकार मान आयाम अलग होगा। उसी तरह एक तारा टूट जाता है तो वो बहुत ही कम से कम आकार में चला जाता है, लेकिन उसका वस्तुमान द्रव्यमान या फिर वजन उतना ही रहता है। क्या हमारे पृथ्वी को ब्लैक होल से खतरा है, इसका सिंपल जवाब है नहीं, नो। हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक ब्लैक होल जो है वो तकरीबन 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। 1 लाइट ईयर मतलब रोशनी की स्पीड से कोई भी चीज एक साल में एक जगह से दूसरे जगह जाएगी उतना अंतर, जो कि लगभग 9.5 trillion km इतना आता है। दोस्तों, इंग्लिश में इंटरस्टेलर नाम की एक मूवी है जो कि ब्लैक होल की कॉन्सेप्ट थोड़े और ज्यादा क्लियर करती है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जिससे उनकी सहायता होती रहे। साथ कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करके बता दें।